जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम साहित्यिक सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें हमारी आज की प्रस्तुति मुंशी प्रेमचंद रचित ईदगाह है। आशा है आप सभी को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आएगी। मुन्ना, ओ मुन्ना। अरे अम्मी, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। आज मैं मेले में जाऊंगा ना? वो तब की तब देखेंगे, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। नसीबा, ओ नसीबा। अरे कौन? आपको ईद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। कैसे आना हुआ इधर? हामिद के लिए। हामिद के लिए? क्या हुआ हामिद को? अरे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ कहो ना। हामिद बहुत खुश है मेले में जाने के लिए। मैं भी नहीं। क्यों? गांव के सभी बच्चे तो मेले में जा रहे हैं, यही ना खो जाएगा। इस बात से डरती हो क्या तुम? अरे ये बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ बताओ ना। देख नसीबा, तू हमेशा मेरे दुख में काम आई है, आज भी मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। तू मुझे कुछ पैसे दे दे तो। तुम भी ना मीना बहन, बस इतनी सी परेशानी वाली बात है? हामिद मेरा भी तो पोता है। तुम रुको, मैं आती हूँ। हाँ आगे। हाँ, आज ईद है, मैं ईद के मेले में जा रहा हूँ। देखिए मुझे 12 आने मिले हैं। आपने हामिद को कितने दिए? अरे बुआ, मैंने आपका दिल तो नहीं दुखा दिया? अरे ये बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें मेरे उम्र की सारी खुशियाँ दे। अरे नुगरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बुआ से बातें कर रहा था। अच्छा, बुआ से बातें कर रहा है। ये लो, अपना दिल छोटा मत करना, हामिद मेरा भी तो पोता है। मेले में जाते समय हामिद को भी लेके जाना। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। आज तो मेले में जाऊंगा। अरे अम्मी, तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। आज मैं मेले में जाऊंगा ना? मेला बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। नहीं, गांव के सारे बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। जिद मत करो, जाने दो ना अम्मी। अच्छा चलो, ये लो तुम्हारी ईदी, जाकर कुछ खा लेना। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो मेला घूमना है। गांव के सभी बच्चे कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तुम भी कुछ खा लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा मेला लगा है, तरह तरह के खिलौने हैं। हाथी, घोड़ा, सिपाही और धोबी भी। मैं तो सिपाही लूंगा। हाँ, खाकी वर्दी, सिर पे लाल टोपी और हाथ में बंदूक। अरे तुम दोनों तो हो गधे की धूम। मैं तो वकील लूंगा। वहाँ देखो, हामिद आया है। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। हम सबने तो कुछ ना कुछ लेने की सोची है, तुम क्या लोगे? मैं लूंगा तो कोई काम की चीज लूंगा, जो मजबूत हो और टिकाऊ भी। ऐसी कौन सी चीज है? जब मैं लूंगा तब तुम खुद ही देख लेना। ठीक है, अब मेला घूमते हो, वरना सारे दिन बातें ही करते रह जाएंगे। कल ये चिमटा कितने का है? ये चिमटा पूरे 5 आने का है। मेरे पास तो 3 ही आने हैं। अंकल दे दो ना अंकल। नहीं, ये 5 आने का है, मैं नहीं दूंगा। चलो तुम 4 आने ही दे दो, आज तो 3 ही आने हैं। चलो कोई बात नहीं, ले लो। अरे तुमने क्या ले लिया? जब मेरी अम्मी रोटी पकाती है तो उनके हाथ
जब मेरी अम्मी रोटी पकाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने यह उनके लिए लिया है। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। हमारे खिलौने तो टूट गए। खिलौने और गुब्बारे, गुब्बारा जो अभी फूट जाएगा, खिलौने जो चार दिनों बाद तुम उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगे, मेरी अम्मी के पास तो यह चिंता हमेशा रहेगा। चलो अब घर चलते हैं। हाँ तुम आ गए, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे चिंता क्यों लाए, फ्री में नहीं लाया हूँ, पूरे तीन आनों का लाया हूँ। अरे तीन तो आने खाया पिया भी नहीं। मैंने खाया तो नहीं, लेकिन आपके हाथ की खीर जरूर खा लूंगा। अच्छा, अल्लाह तुम्हें बड़े होकर तरक्की दे।